स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब भी इंडिया के डेवलपमेंट की बात होती है तो अक्सर लोगों की जुबान पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम आता है। यही कहा जाता है कि भारत अपने यूथफुल पॉपुलेशन की बदौलत आने वाले समय में एक नया इतिहास रचेगा। ठीक वैसा ही इतिहास जैसे 1950s से 1990s के बीच हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान ने रचा था, जहां उन्होंने अपने यंग एनर्जी के सदुपयोग और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही डेवलपमेंट की नई ऊंचाई को छुआ। और ऊंचाई भी ऐसी कि इन्हें फोर एशियन टाइगर्स बुलाया जाने लगा। कुछ ऐसे ही सक्सेस स्टोरी चाइना की भी है, जिसने समय रहते ही अपने यूथफुल पॉपुलेशन को स्किल्ड करके वर्ल्ड फैक्ट्री का स्टेटस हासिल किया। लेकिन भारत के केस में जब भी ये बात होती है तो अक्सर भारत के दो स्टेट्स उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम बढ़ चढ़ कर लिया जाता है, जहां एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यदि भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस अर्न करना है तो ऐसा करने के लिए इन दोनों स्टेट्स के पोटेंशियल को यूटिलाइज करना बेहद जरूरी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस बेसिस पर ये दावा किया जा रहा है। आफ्टर ऑल, अगर हम इन दोनों स्टेट्स की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो ये तो देश के अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी पीछे खड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कि पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भी ये दोनों ही स्टेट्स भारत में आखिरी पायदान पर हैं। तो आखिर ये कैसे भारत को डेवलप्ड बना सकते हैं? इनके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो आने वाले समय में भारत की किस्मत लिखने वाला है? लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां इन दोनों स्टेट्स के पास शायद असल में जादुई चिराग ही है, जिसे अगर सही समय पर यूज कर लिया गया तो भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर भारत ने इसमें चूक कर दी तो वो भी अंडर डेवलपमेंट की अंधेरी गुफा में ही फंस कर रह जाएगा। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भारत का भविष्य यूपी और बिहार की मुट्ठी में बंद है, और आखिर क्यों यही दो स्टेट्स भारत का भविष्य लिखेंगे। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे, जब किसी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 इयर्स से 64 इयर्स की एज ग्रुप वाले लोगों की संख्या उसकी डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन यानी 15 इयर्स से कम के बच्चे और 64 अधिक से उम्र के वृद्ध लोग उनकी पॉपुलेशन की तुलना में ज्यादा हो तो हम इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी देश की टोटल पॉपुलेशन में उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन का अधिक होने से वहां हाई एंड कंसिस्टेंट लेबर सप्लाई, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट, ज्यादा सेविंग्स, ज्यादा कंजम्पशन और हेल्थ रिलेटेड स्पेंडिंग में कमी देखने को मिलती है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का काम करता है। यही कारण है एक्सपर्ट्स इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। दूसरी ओर, अगर हम भारत में यूपी और बिहार की पॉपुलेशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि देश की 1/4 पॉपुलेशन यहीं बसती है। यही नहीं, अगर हम भारत के स्टेट वाइज मीडियन एज के फिगर्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इन दोनों राज्यों की मीडियन एज भारत में सबसे कम है। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी देश का मीडियन एज उस देश की पॉपुलेशन को एज के बेसिस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी टोटल पॉपुलेशन में 50% लोगों की एज मीडियन एज से अधिक होगी और 50% लोगों की एज मीडियन एज से कम होगी। उदाहरण के तौर पे भारत की मीडियन एज 2023 में 28.2 है। इसका सरल मतलब ये निकलता है कि भारत की जनसंख्या का एक हाफ 28.2 ईयर्स की उम्र से ज्यादा का है और दूसरा हाफ 28.2 ईयर्स की एज से कम का है। यानी अगर भारत की आबादी 1.4 बिलियन है तो उसमें लगभग 70 करोड़ की एज 28.2 ईयर से भी कम है। ऐसे में मीन या एवरेज एज के कंपैरिजन में मीडियन एज एक देश की पॉपुलेशन में उसके यूथ के प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करने का बेटर माध्यम होती है, क्योंकि इससे सीधे पता चलता है कि एक देश या स्टेट की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन किस एज ब्रैकेट में है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम वापस अपने मैप की ओर चलें तो हम पाएंगे कि देश के सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स, जो कि देश के डेवलप्ड और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स में कंसीडर किए जाते हैं, उनकी मीडियन एज 30 साल के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देश में हाईएस्ट स्टेट जीडीपी वाले महाराष्ट्र की बात करें तो उसकी मीडियन एज 31.3 है, वहीं कर्नाटका की 31.4, तेलंगाना की 31.2, आंध्र प्रदेश की 32.5, तमिलनाडु और केरला को देखें तो पाएंगे कि यहाँ की आधी आबादी 34 ईयर से भी ज्यादा की है। जहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टेक्निकल कमेटी की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के डेटा की माने तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइजिंग एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के चलते डिक्रीजिंग बर्थ रेट के चलते 2036 तक तमिलनाडु की मीडियन एज 40.5, केरला और महाराष्ट्र की 39.6, हिमाचल प्रदेश की 39.5, पंजाब की 38.9 और वेस्ट बंगाल की 38.8 ईयर्स हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अगले कुछ ही सालों में इन स्टेट्स में एल्डरली पॉपुलेशन के रेशियो में इजाफा होगा और यूथ के नंबर में कमी दिखेगी।
ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वजह से इन स्टेट्स के इंडस्ट्रियल बेस और बूमिंग सर्विस सेक्टर के लिए लेबर शॉर्टेज की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके उलट अगर यूपी और बिहार की बात करें तो ये भारत के सभी स्टेट्स की तुलना में सबसे ज्यादा यंग लोगों का घर है, जहां यूपी की मीडियन एज 24.7 है, वहीं बिहार के लिए ये 22 है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में दिए TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट के नंबर्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यूपी और बिहार में ये भारत के एवरेज TFR 2 से कहीं ज्यादा है। साथ ही बिहार में यह आंकड़ा 3 का है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ पर हर महिला ऑन एन एवरेज 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं, जो ये बताता है कि आने वाले समय में भी यूपी और बिहार की पॉपुलेशन में यूथफुल पॉपुलेशन का प्रपोर्शन हाई बना रहेगा, जबकि सदर्न स्टेट्स का इंडियन एवरेज से भी लो TFR वहां की तेजी से बूढ़ी होती पॉपुलेशन की कहानी बयान करता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में यूपी और बिहार का यूथ ना ही केवल अपने स्टेट्स की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करेंगे, बल्कि बूढ़ी होती स्टेट्स के लिए फ्यूचर में वर्कफोर्स सप्लायर का रोल भी निभाएंगे। इसी स्थिति के लिए हाल ही में UN द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट में भी ये बात सामने रखी गई थी कि आने वाले समय में साउथ इंडिया की श्रिंकिंग पॉपुलेशन से डील करने के लिए नॉर्थ इंडिया और खासतौर से यूपी और बिहार से होने वाला माइग्रेशन ही रामबाण सिद्ध होगा। ऐसे में एक तरह से भारत अपने रीजनल डिसबैलेंस को खुद ही इंटरनली बैलेंस कर लेगा। यही कारण है कि जब हाल ही में भारत के चाइना को पछाड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन बनने की बात सामने आई, तब देश के बढ़ते बर्डन के बीच भी इस सिल्वर लाइन का जिक्र सभी ने किया कि कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन भारत की ग्रोथ के लिए एक नया चमत्कार भी कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में यूपी और बिहार का स्टेट के तौर पर डेवलप्ड होना और आने वाले समय में यहाँ के युवाओं का वर्कफोर्स में प्रोडक्टिव रोल प्ले करना काफी जरूरी मालूम होता है, लेकिन यहाँ के आज के हालात को देखकर कईयों के मन में यूपी और बिहार के लिए डाउट की स्थिति बनी हुई है। आफ्टर ऑल, जिन स्टेट्स में भारत अपना भविष्य ढूंढ रहा है वो खुद इतने पीछे क्यों है और आखिर कैसे वो अपने यूथ के बल पर अपना और भारत का भविष्य बना सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है यह चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, यानी एक श्रृंखला अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितना ही मजबूत होती है, और रिपोर्ट दर्शाते हैं कि भारत के मामले में यूपी और बिहार ही सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरे हैं, जिनके लो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स न ही केवल इन दो स्टेट्स के लोगों के लिए बल्कि सारे भारत के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। हम अगर 2019 के SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के बारे में बात करें, जहां देश के सभी स्टेट्स को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मापदंडों के अनुसार रैंक किया गया है, तो हम पाएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूपी का 24th और बिहार का 25th स्थान है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ये दो स्टेट्स बाकी स्टेट्स की तुलना में पीछे खड़े दिखते हैं, जहां 2021-22 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 70,792 रुपीज थी, तो वहीं बिहार में ये 49,470 थी, जो देश की पर कैपिटा इनकम 1,48,524 के आधे से भी कम है। इसके अलावा दोस्तों, यूपी और बिहार की असल समस्याएं नीति आयोग की 2023 की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सामने आती हैं। इसके अकॉर्डिंग जहां देश की कुल जनसंख्या का 14.96% भाग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, वहीं यूपी के 22.94% लोग पॉवर्टी की मार झेल रहे हैं। और अगर बिहार की बात करें तो ये देश का सबसे गरीब स्टेट है, जहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 33.76% हिस्सा मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अब अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो आप पाएंगे कि देश में पॉवर्टी के एक्चुअल लेवल को मेजर करने के लिए केवल स्टैंडर्ड इनकम मेट्रिक पर रिलाई करके केवल फाइनेंशियली पॉवर्टी पर सेंटर्ड रहने के बजाय नीति आयोग 12 डिफरेंट इंडिकेटर्स की मदद से देश में पॉवर्टी लेवल को एसेस करता है, और ये सभी 12 इंडिकेटर्स हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लब्ड होते हैं। ऐसे में यूपी और बिहार का मल्टी डायमेंशनली पुअर होना ये बताता है कि इन स्टेट्स की बड़ी जनसंख्या हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में भारत में सबसे पिछड़ी हुई है। और यदि कोई राज्य हेल्थ और एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है तो आखिर वो भारत के लिए फ्यूचर वर्कफोर्स कैसे तैयार कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इन स्टेट्स के ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स माने जाने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर, फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन जैसे आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि ये यूपी और बिहार ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में भी कहीं दूर पिछड़ते नजर आते हैं। उदाहरण के लिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार में केवल 11.3% अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। इस तरह यूपी में भी ये केवल 22.28% था, जबकि उस दौरान
नेशनल अर्बनाइजेशन फिगर 31.2% का था। इसी तरह अगर हम वर्कफोर्स में विमेन्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसके आंकड़े भारत में भी अच्छे नहीं हैं। जहां ग्लोबल लेवल पर 50% से भी ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं, वहीं भारत में ये 29% के आसपास है। मगर यूपी और बिहार में वर्कफोर्स में विमेन्स पार्टिसिपेशन की स्थिति और भी बुरी है, क्योंकि यहां विमेन्स फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उत्तर प्रदेश में 17.2% और बिहार में मात्र 9.4% है। सिमिलरली एजुकेशन के पैरामीटर्स में भी ये स्टेट अच्छा करते दिखाई नहीं देते, जहां पास में बार बार उत्तर प्रदेश के पुअर एजुकेशन सिस्टम और मिनिमल लिटरेसी रेट की बात उठाई जाती रही है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब यूपी और बिहार का यूथ भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी है, तो फिर इस भविष्य को संवारने के लिए आखिर क्या किया जाए? दोस्तों, ये बात सही है कि वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और इंडेसेस में काफी बार यूपी और बिहार पीछे खड़े नजर आते हैं, लेकिन अगर हम बीते कुछ सालों में देखें तो इन दोनों ही स्टेट्स ने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए विल पावर दिखाई है। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें तो नीति आयोग के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच यूपी ने 3.43 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो किसी भी स्टेट से ज्यादा है। वहीं नीति आयोग की एक्सपोर्ट्स रेडिनेस इंडेक्स में 7th रैंक हासिल की है। इसी तरह यूपी की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2.1 के फर्टिलिटी रेट को 2026 तक हासिल करने का एम करती है, और सबसे अहम बात कि अपने लिए $1 trillion इकोनॉमी का एस्पिरेशनल गोल सेट किया है। सिमिलरली अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू दिखता है। 2015-16 में जहाँ 51.89% लोग पॉवर्टी की मार झेल रहे थे, वहीं ये 5 सालों के अंदर सिर्फ 33.76% रह गई है। वहीं 2021-22 में 10.98% के GSDP ग्रोथ के साथ बिहार एक टॉप परफॉर्मर है, जहां उसका ये ग्रोथ रेट देश में 3rd highest रहा। इसी तरह सोशल वेलफेयर जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत रूरल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने में बिहार रैंक 1 पर है। साथ साथ बिहार के साथ निश्चय जैसे पॉलिसी एक डेवलप्ड बिहार की फाउंडेशन रखने का काम करते हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये दोनों राज्य लगातार खुद को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर फिर भी इनके लेट स्टार्ट को देखते हुए इसी दिशा में हमें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो बिहार और यूपी को यहाँ रोजगार के नए अवसर प्रोड्यूस करने की जरूरत है, ताकि इन राज्यों से लगातार हो रहे इकोनॉमिकली फोर्स्ड माइग्रेशन पर रोक लगाई जा सके। ये बात सही है कि यूपी और बिहार के यूथ में वो ताकत है कि वो समूचे देश के वर्कफोर्स का बोझ अपने कंधों पर उठा सकते हैं, लेकिन करंट स्टेटस में इन स्टेट से होने वाला माइग्रेशन सस्टेनेबल नहीं है। ऐसे में यदि ये स्टेट्स अपने आप में इनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें तो इस कंपल्सिव माइग्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है, जिससे यहाँ का यूथ अपने स्किल्स के अनुसार बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी बाय चॉइस ही दूसरे स्टेट्स की ओर रुख करेगा, ना कि मजबूरी में। ऐसे में इन राज्यों को अपनी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बेस को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो और अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, क्योंकि अगर ये राज्य जल्द से जल्द ऐसा कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो इनके गोल्डन डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब इसी युवा को रोजगार के अवसर नहीं मिलते और उनका फ्यूचर अंधकार में दिखता है तो उनके अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है, जो कि सरकार से लेकर समाज तक को अपना निशाना बना लेता है। इस गुस्से की बेचैनी कभी ट्विटर पे हैशटैग की शक्ल में ट्रेंड करती है, तो कभी सड़कों में वायलेंट प्रोटेस्ट का रूप धारण करती है। इसी आक्रोश का नमूना हमने पास्ट में अग्निवीर प्रोटेस्ट, रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोटेस्ट और बिहार के टीचर रिक्रूटमेंट प्रोटेस्ट के दौरान देखा। दोस्तों, इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की ओर लौटे तो हम पाएंगे कि प्रोडक्शन के लिए बेसिकली 4 फैक्टर्स जरूरी हैं, जो हैं लैंड, लेबर यानी वर्कफोर्स, कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप यानी ऑर्गेनाइजेशनल या मैनेजमेंट स्किल्स। लेकिन आज के समय में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लेबर को दी जाती है, क्योंकि प्रॉपर एंड स्किल्ड लेबर के बिना ना ही एग्रीकल्चर हो सकता है, ना ही फैक्ट्री चल सकती हैं, और ना ही सर्विस सेक्टर रन किया जा सकता है। इसीलिए तो जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी देश में अपनी एक यूनिट स्टैब्लिश करने की सोचती है, जिसे हम FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, तो उस देश के स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या पर काफी जोर देती है। एक समय में अपने स्किल्ड वर्कफोर्स और चीप लेबर के बल पर उठाए गए कदमों के दम पर ही आज चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बना बैठा है। इसी तरह कोविड क्राइसिस की वजह से हुए लेबर माइग्रेशन की वजह से देश के हर सेक्टर को कितना नुकसान हुआ, ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा जैसे एग्रेरियन स्टेट्स भी इस क्राइसिस से अछूते नहीं थे।
यहाँ तो समस्या इतनी गंभीर थी कि तत्कालीन पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कॉल करके माइग्रेंट लेबर्स को पंजाब ना छोड़ने की अपील करनी पड़ी। इसलिए दोस्तों, लेबर पावर की इंपॉर्टेंस को हल्के में आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि यूएसए जैसा डेवलप नेशन भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज अपने लिए जरूरी वर्कफोर्स को ध्यान में रखकर ही डिसाइड करता है, और इन्हीं पॉलिसीज के दम पर वो आज तक लगातार ग्रो हो रहा है। यहाँ तक आज उसी की देखा देखी यूरोप के दूसरे देश और जापान तक अपने दरवाजे यूथफुल स्किल्ड लेबर के लिए खोल रहा है। ऐसे में जाहिर है कि डेवलप्ड नेशन भी बिना स्किल्ड लेबर के अपना इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रख सकता। ऐसे में लेबर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इन दोनों राज्यों की अपने यूथ की बेटर एजुकेशन और स्किलिंग प्रोवाइड करके उस दिशा में तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की तरह यदि ये राज्य अपनी वर्कफोर्स को कैपेबल बना पाने में सक्षम हो गए तो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। बस जरूरत है तो चीप और अनस्किल्ड लेबर को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हाईली स्किल्ड वर्कमैन में बदलने की, और एक बार ऐसा हुआ तो फ्यूचर में यही दोनों राज्य भारत का इंडस्ट्रियल बेस बनकर उभरेंगे और अपने इसी यूथ लेड डेवलपमेंट के दम पर यूपी और बिहार देश के इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएंगे। मगर ऐसा करने के लिए यूपी और बिहार को खुद को और बेहतर बनाने की जरूरत है। दोस्तों, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते समय सबसे पहले हर रीजन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझने की जरूरत होती है, ताकि उसका इफेक्टिव पोटेंशियल गेन किया जा सके। ऐसे में यदि हम यूपी बिहार के इस रीजन पर गौर करें तो गंगा रिवर सिस्टम के वास्ट फर्टाइल प्लेन्स की वजह से यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी इन राज्यों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी की, तो ये वीट, शुगर केन, आम, आलू और मटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होने के बावजूद फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी काफी कम है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर स्टेट की जीडीपी में 26% का योगदान देता है, और यहाँ की करीब 70% लोग कृषि से ही अपना जीवन चलाते हैं। फिर भी यहाँ सिर्फ एक मेगा फूड पार्क का होना दिखाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन ना के बराबर हो रहा है। हालांकि अब इस दिशा में यूपी गवर्नमेंट की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 रिलीज करके उसने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अगर इस पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए और ऐसे ही कदम बिहार की ओर से भी देखने को मिले, तो हो सकता है कि आने वाले समय में तो ये दोनों राज्य प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट में अपने लिए एक नया स्थान बना सकें, जहां वो इसी दिशा में अपने यूथ के लिए भी नए अवसर बना सकें। साथ ही ऐसा करने के लिए इन दोनों राज्यों को कोऑपरेटिव्स और फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के भी गठन पर जोर देने की जरूरत है। दोस्तों, यूपी और बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बेहद जरूरी है। हालांकि इस बीच रोड कनेक्टिविटी के मामले में यूपी में एस्टैब्लिश हुए 6 नए एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसी तरह बिहार में आमस को दरभंगा से जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे इस ओर इशारा करता है कि लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन इन प्रयासों में और अधिक तेजी लाने की जरूरत है। इसमें खासतौर पर बिहार कहीं अधिक पिछड़ा नजर आता है। साथ ही बिहार के ब्रिजेस के कोलैप्स होने के लगातार वायरल होते वीडियोस भी यहां के इंफ्रा डेवलपमेंट में हो रहे मिसमैनेजमेंट और करप्शन को उजागर करता है, जो कि बिहार की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में इस ओर भी जल्द से जल्द कुछ कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। सिमिलरली, वेस्ट बंगाल से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता नेशनल वाटरवे 1 भी आने वाले समय में इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट की नई कहानी लिख सकता है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में यूपी और बिहार ने अपने आप को इन्वेस्टर फ्रेंडली और अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में साफ दिख रहा है। हालांकि दूसरी ओर बीते साल के इंडेक्स में बिहार ने अपनी जगह भी एमर्जिंग बिजनेसेस इकोसिस्टम स्टेट्स में बना ली है, मगर बिहार को अभी भी कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जहां खास तौर पर इन दोनों राज्यों को रेड टेपिज्म और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को दूर करके बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, जिससे इन्वेस्टर्स इन स्टेट्स के फ्यूचर पोटेंशियल को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। साथ ही बिहार, जो लंबे समय से इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉट करने में नाकामयाब सिद्ध हो रहा है, उसे भी इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं उसकी ओर से होते हुए दिखाई भी देते हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के बीच भी यूपी और बिहार को सबसे पहले अपनी फंडामेंटल वीकनेस को दूर करने की जरूरत है, और वो है इनका हेल्थ स्टेटस।
दोस्तों कोई भी व्यक्ति इकोनॉमी में अपना योगदान तभी दे पाएंगे जब वो स्वस्थ, और इसीलिए सबसे जरूरी है कि जन्म से ही उसके हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे रहें ताकि वो बेटर एजुकेशन और फिजिकल ग्रोथ के साथ अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। लेकिन अगर हम NFHS 5 का डेटा उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि यूपी के 39.7% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, वहीं 32.1% बच्चे अंडरवेट का। दूसरी ओर बिहार में ये स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जहां 42.9% बच्चे स्टंटिंग से और 41% बच्चे अंडरवेट की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस कारण ये कहा जा सकता है कि यूपी और बिहार की पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को कहीं ना कहीं जन्म से ही एक अनफेयर डिसएडवांटेज से गुजरना पड़ता है। सिमिलरली मेटरनल मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी यूपी और बिहार की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के हेल्थ इंडिकेटर्स को ठीक करने की दिशा में भी जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मिड डे मील्स और आंगनवाड़ी की मदद से चलाए जा रहे प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे, किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 23rd of August से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर भारत यूपी और बिहार की इंपॉर्टेंस को समझकर इन्वेस्ट कर देता है तो आने वाले समय में उसके लिए ये गोल्डन बेट सिद्ध हो सकती है, जहां वो केवल इन दो स्टेट्स के बल पर ही पूरे भारत के इंजन को फ्यूल कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, और अगर वो कदम नहीं उठाए गए तो उसके रिपरकशंस भी हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, इन लाइट्स ऑफ दिस डिस्कस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू फोकस ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।